और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार को फिरोजाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 20 दिसंबर को फिरोजाबाद में सीएए के विरोध में प्रदर्शन के दौरान में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। पूर्व सीएम अखिलेश यादव रसूलपुर थाना क्षेत्र के नैनी ग्लास चौराहे पर 12 बजे पहुंचे। उपद्रव के दौरान 6 लोगों की मौत हुई थी, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने जिले में पहुंचे। इस मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जन्म प्रमाण पत्र मांग रही है, जबकि गरीब ग्रामीणों के पास उनके मकान के खुद का कागज नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट कहां से लाकर दे। बीजेपी सरकार सारे दावों को खोखले बताते हुए कहा कि ना ही नोटबंदी से काला धन वापस आया है और आतंकवाद में भी लगाम नहीं लगी है। उन्होंने सवाल के जवाब में कहा कि जब मुख्यमंत्री के मुकदमे वापस हो जाते हैं तो प्रदर्शनकारियों के झूठे मुकदमे वापस करना सरकार की जिम्मेदारी है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को अल्पसंख्यक विरोधी बताते हुए कहा कि निर्दोष लोगों को मरवाया जा रहा है और फिरोजाबाद में 6 लोगों की मौत भाजपा का जीता जागता उदाहरण है। उनकी सरकार आने पर सभी को न्याय दिलाया जाएगा। सीएए के विरोध में बेगुनाहों की जान गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस अविश्वसनीय है, साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट के न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की है। अखिलेश यादव ने एनआरसी फॉर्म ना भरने के बाद कहते हुए कहा कि मीडिया भी इस एनआरसी का फॉर्म ना भरे। साथ ही उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा कि जब कानून पास हो चुका है तो बीजेपी को जनता के बीच पहुंचकर समझाने की आवश्यकता क्या पड़ी। जामिया में लोगों के साथ गलत हुआ, दंगों में मारे गए लोगों के परिवारों के साथ है समाजवादी पार्टी। कन्नौज में हुए सड़क हादसे पर भी भाजपा सरकार की लापरवाही बताई। हम गरीब जनता से अपील करेंगे कि उनका आधार बन चुका है, आधार पे सब जानकारी है, सरकार आधार से जानकारी हासिल कर ले, कोई नया फॉर्म ना भरें। अगले जी लास्ट सवाल, अगले जी लास्ट सवाल, अगले जी एनआरसी को लेकर, सीए को लेकर क्या समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार आती है, केस वापस लिए जाएंगे, पुलिस जांच होगी, पुलिस की गोली से लोग मरे, उस पे क्या कहेंगे। ये मुख्यमंत्री जी ने हमें सिखा दिया है कि अगर कोई दंगे के हो मुकदमे तो वापस लिए जा सकते हैं। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस ले सकते हैं तो ये तो गरीब जनता है, उसकी मदद करने का काम सरकार को करना चाहिए। और जहां तक सवाल जेएनयू का है, अब आप देखिए जेएनयू में टीवी पे आपने देखा कि मुंह छिपा करके हाथ में लाठी डंडे लेकर के लोगों की पिटाई की, और बताओ मुकदमा किस पे दर्ज हुआ। जो पिटी लड़की, जो अध्यक्ष है वहां की, उस पे मुकदमा दर्ज हो गया। यही भारतीय जनता पार्टी की काम करती है, भारतीय जनता पार्टी यही काम करती है। और आज भी हम आपको उदाहरण दे सकते हैं कि कई जगह निर्दोष लोगों की जान गई है, निर्दोष लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। और जहां तक ये 6 लोगों की जान गई है, मैंने लखनऊ से भी कहा कि सिटिंग जज, चाहे हाई कोर्ट के चाहे सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज से जांच हो तभी सच्चाई बाहर आएगी, क्योंकि पुलिस से जांच करने के बाद पुलिस अपनी कैसे जांच करेगी। और जितने लोगों की जान गई है, अगर सरकार को खतरा नहीं है तो इन परिवारों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दी। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है, इसका मतलब सरकार क्या छिपाना चाहती है, क्या सरकार छिपा रही है। इसलिए CAA, NRC, NPR ये गरीबों के खिलाफ हैं। और हम तो कितनी बार बताएंगे, बीजेपी को पता है जेएनयू में किसने अपराध किया है, बीजेपी की पुलिस है। आप बताओ फिरोजाबाद में नहीं होता होगा, बीजेपी जिसको चाहेगी उस पर FIR दर्ज करा देगी। जिस दिन बीजेपी का मन होगा उस दिन जेएनयू के दोषी पकड़े जाएंगे। अभी बीजेपी की इच्छा नहीं है दोषी पकड़े जाएं। जेएनयू की बात करें, जेएनयू में दीपिका पादुकोण गई थी, उनका भी विरोध हो रहा है बराबर, दीपिका पादुकोण का, तो उस पर क्या कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी हर अच्छी चीज का विरोध करती है। सर जेएनयू में किस तरीके से डॉक्टर अनिल जैन का बयान है कि सपा पे कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस पे कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष हवा दे रहा है, मुद्दे को ही करें वो। ये बहुत ना समझ आदमी है कोई। मैं तो उनसे कहूंगा कि समाजवादी पार्टी बहुत जल्दी रोजगार मांगने के लिए यात्राएं करेगी, हमें रोजगार दे दो, किसान की आय दोगुनी कर दो। हालांकि इनके जवाब नहीं मांगने चाहिए, इनका जवाब देना भी नहीं चाहिए, ऐसे कोई महापुरुष नहीं है ये जिनका जवाब दिया जाए। और मैं तो इतना कहूंगा उनसे, अरे भाई लोक भवन बनाया समाजवादियों ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी का गांव बिल्कुल बगल में है बटेश्वर, अरे कुछ ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी बना देते यहाँ तो शायद यहाँ के नौजवानों का भला हो जाता।
अखिलेश जी किसी कानून के विरोध में हिंसा की जाए ये कहां तक जायज है? मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार लोकसभा में बहस कर चुकी है तो ये सरकार सड़कों पे क्यों घूम रही है? ये बड़ा अजूबा है। नहीं, पूरे प्रदेश में हिंसात्मक प्रदर्शन हुए और हिंसात्मक प्रदर्शन के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको जानकारी ला दूं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सरकार बचाने के लिए हिंसा कराई है सरकार ने, और उसमें जिम्मेदार सरकार के प्रशासन के लोग हैं, और इसलिए हैं क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश देखेंगे तो कहाँ नहीं प्रदर्शन हुआ ये बताइए। क्या मुरादाबाद में प्रदर्शन नहीं हुआ? क्या और जिलों में प्रदर्शन नहीं हुआ? देश के किस कोने में प्रदर्शन नहीं हुआ ये बताइए। हैदराबाद में कितने लाख लोग निकल करके आए? बीजेपी मुंबई में कितने लोग निकल करके आए? आखिरकार यूपी में ही 5-6 जिलों में क्यों गोली चली? बीजेपी का जवाब कौन देगा? बीजेपी कह रही है अखिलेश यादव ने अगर प्रदर्शन नहीं किया होता तो आज इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होती। आप लोग खुद लोकतंत्र बचाना चाहते हो, ये जितने खड़े पत्रकार साथी हो, आप खुद लोकतंत्र बचाना चाहते हो, इसी में जान बीजेपी की है सर। जान बीजेपी की इसी में है। जिस दिन आप सच्चाई दिखा देंगे कि इतने जिले थे उत्तर प्रदेश के, इतनों में हिंसा हुई है, इतनों में एक कहीं पर किसी तरह की हिंसा नहीं हुई सर। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।